हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन पर ऐसा क्या लगाएं जो आपकी स्किन बिल्कुल चमकदार हो जाएगी और जो स्किन पे और फेस पे जो भी दाग धब्बे या जो भी होंगे सब कुछ वो हटा देगी। और चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर की अगर आप टैनिंग हटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और शरीर को अंदर से हेल्दी रखना चाहते हैं और कालेपन से निजात पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बात तो हम लोग अपनी स्किन को दो तरीके से अच्छा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं दो तरीके से। एक तरीका होता है कि हम लोग अपनी स्किन को अंदर से अच्छा कर सकते हैं, इंटरनली कैसे सही रखें, और दूसरा तरीका यह है कि हम लोग अपनी स्किन को बाहर से कैसे अच्छी रखें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोनों तरीके जिससे आप लोग अपनी स्किन को बहुत ही चमकदार बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली आपको गुनगुना पानी पीना है, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसमें आप नींबू डाल के पी सकते हैं, हनी डाल के पी सकते हैं और हल्दी डाल के भी पी सकते हैं। ये सब एक साथ नहीं, ये सब अलग अलग आप ट्राई कर सकते हैं। और एक एप्पल का विनेगर आता है, वो भी आप खाली पेट गुनगुने पानी में डाल के पी सकते हैं। और दिन भर में आप ढेर सारा पानी पिएं तो आपकी स्किन बहुत ही चमकदार रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। और इसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम योगा अगर करते हैं सुबह के टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचती है, तो इससे भी आपकी स्किन बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार के क्लीजिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, वो आपको करना है कि थोड़े से गुनगुने पानी में आधा चम्मच एप्पल विनेगर अगर आप रोज़ डालते हैं कटोरी में, थोड़ा सा रख लें और उसको कॉटन से अपने चेहरे पर सुबह शाम लगाएं तो जो आपके स्किन पर जो फेस पर पिंपल्स होंगे वो सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और जो पिंपल्स के दाग धब्बे होंगे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइस, इसको भी आप अपना लेना। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था स्किन का, स्किन को चमकदार बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज के वीडियो में भी जो टिप्स मैं बता रही हूँ वो बहुत ही कारगर हैं और मेरे अजमाए हुए हैं। और तीसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ एक फेस पैक जिसको आप लोग अजमाएं, वो घर की ही चीज़ों से बिल्कुल बना हुआ है और उसको अगर आप अजमाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही चमकदार हो जाएगी। तो गाइस, ये फेस पैक जो मैं आपको बता रही हूँ वो फेस पैक ऐसा है कि आपके जो फेस पे जो भी जमा गंदगी होगी वो सब इसे हटा देगा और कलर को भी फेयर करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक चम्मच हनी लेना है और आधा चम्मच ग्लिसरीन लेना है, थोड़ा सा नींबू लेना है और रोटी में यूज़ करने वाला आटा लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। बस इन सबको मिला के आपका फेस पैक तैयार होगा। और ये जो हनी है इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो स्किन को मॉइस्चराइज करती है, और जो ग्लिसरीन है वो हमारे फेस के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देता है जो बाहर से जो भी इन्फेक्शन होता है वो हमारी स्किन को टच नहीं कर पाता है। जैसे सन जो हम लोगों को नुकसान करता है, जो तेज़ सन में हम लोग निकलते हैं तो उससे हम लोग के जो रैशेस पड़ जाते हैं उन सबसे ये ग्लिसरीन हेल्प करता है, उससे बचाव रखता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है ग्लिसरीन हम लोग की स्किन को। और जो रोटी बनाने वाला आटा है तो उसे यूज़ करना है आप लोगों को। तो एक कटोरी में आप आटा ले लें एक चम्मच और आधा चम्मच ग्लिसरीन ले लेंगे और एक चम्मच हनी ले लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा दूध और इसको मिक्स करके आप अपने फेस पर 10-15 मिनट के लिए लगा देंगे। और 10-15 मिनट के बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लेंगे और ऐसा ऐसा करते रहने से थोड़े दिन आप देखेंगे कि थोड़े दिन में आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत हेल्दी हो गई है। और जो गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इंटरनली आप अपनी स्किन को कैसा रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो आप उस पर भी विचार करिएगा थोड़ा। और उसको तो स्किन को हम लोग दोनों तरफ से अच्छा बना सकते हैं, एक इंटरनली और जो बाहर की तरफ से हम लोग स्किन को अच्छा करेंगे। तो उसके लिए आप, मैंने आपको जो ये
बताया है फेस पैक, आप इसका भी यूज़ करिएगा। और गाइस कोई भी तरीका हम लोग अगर अपने बॉडी पर अप्लाई करते हैं कोई भी चीज़, तो उसको उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपको एकदम से जादू करेगी, लेकिन 3-4 दिन 1 हफ्ते करते रहने से आपको खुद अपनी स्किन पर वो अंतर पता चलेगा। तो गाइस उसको आप अपनाइएगा, बहुत ही अच्छा फेस पैक है। ओके गाइज, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और मेरे वीडियो में मैं जब भी कोई चीज़ बताती हूँ तो मैं बस यही इसीलिए बताती हूँ कि वो बिल्कुल आयुर्वेदिक होगी, उसमें कोई भी हार्म नहीं होगा, क्योंकि बाहर के जो क्रीम और जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो हमारी स्किन को बहुत ही हार्म पहुँचाती हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी पर, अपनी स्किन पर सिर्फ घर से बनी चीज़ें, घर से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, अपने हम लोग के किचन में ही मिल जाते हैं वो प्रोडक्ट, तो वही चीज़ें इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।